जिला कुल्लू में कोरोना कर्फ्यू के दौरान नियमों का पालन करने के लिए जिला भर में 76 पुलिस जवान और 115 होमगार्ड के जवान अपनी सेवाएं देंगे। इस दौरान कंटेनमेंट जोन, कोविड सेंटर, शादी समारोह में जाकर जांच करेंगे। इसके अलावा 30 रुस्तम टीम के स्वयंसेवी युवा युवतियां भी पुलिस के कार्य में सहयोग कर रही है। शहर में बिना मास्क और शारीरिक दूरी नियम का पालन न करने वालों पर पुलिस सख्ती से पेश आएगी। लगातार जिला कुल्लू पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काट रही है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान शहर में एक जगह पर 5 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकते। इस दौरान पुलिस बल और होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे। शाम 6 बजे के बाद शहर में दवा की दुकानों के अलावा कोई भी दुकानें खुली नहीं रख सकेंगे। इस दौरान पुलिस जवान जगह जगह पर तैनात रहेंगे। अक्सर शादी समारोह में लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं और इससे कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। जिला कुल्लू के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। बिना वजह से घरों से बाजार की ओर रुख करने वालों पर भी नकेल कसी जाएगी। जिला कुल्लू में कोविड के नियमों का पालन करने के लिए जवान तैनात कर दिए गए हैं। इसमें कंटेनमेंट जोन, कोविड सेंटर सहित बिना मास्क के बाजारों में घूमने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। कुल्लू जिला में कोरोना इन्फोर्समेंट कर्फ्यू की हो चुकी है आज सुबह 7 बजे से, और इसकी जो है प्रिपरेशंस की गई है, जिसमें कई सारी टीम्स गठित की गई हैं। इसमें पुलिस थाने की 18 टीम्स बनाई गई हैं, थाने और चौकियों को मिलाकर, और इसमें अलग से बटालियन से 76 अलग पुलिसमैन और 115 होमगार्ड्स की भी सेवाएं ली जा रही हैं। इन सभी पुलिसमैन के टेस्टिंग कराई जा चुकी है। इसमें अभी 10 पुलिस स्टेशन में हमारे पास पीए सिस्टम इनेबल्ड व्हीकल्स हैं और एक क्यूआरटी का व्हीकल है जो पीए इनेबल्ड है, और इसके अलावा 5 अन्य व्हीकल्स हमें डीसी ऑफिस से मिले हैं, जिनको हमने रूरल एरियाज में फंक्शंस की ओवर गैदरिंग की चेकिंग्स के लिए डिप्लॉयमेंट किया है। इन सभी पीए इनेबल्ड व्हीकल्स से लगातार अवेयरनेस की जा रही है, लोगों को कंप्लायंस के लिए इंश्योर किया जा रहा है कि वो ओवर गैदरिंग ना करें और कर्फ्यू की जो गाइडलाइंस हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आज सुबह से अभी तक कर्फ्यू का इम्प्लीमेंटेशन काफी अच्छा हो रहा है, लोग अननेसेसरली बाहर नहीं आ रहे हैं। अनावश्यक जो दुकानें हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो सभी बंद हैं, सिर्फ लोग जरूरी और रोजमर्रा की जो जरूरी चीजें हैं और बिजनेसेस हैं, सेवाएं हैं, उनमें ही लगे हुए हैं। बैंक्स, मीडिया पर्सन्स, अदर असेंशियल सर्विसेज सभी प्रॉपरली मूवमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा इन सभी टीम्स को हमने डिप्लॉय किया है जिस कंटेनमेंट जोन की चेकिंग के लिए। मनाली में स्पेशल टीम्स लगाई गई हैं, नगर क्षेत्र से चूंकि काफी ज्यादा केसेस आ रहे थे तो वहां बड़े बड़े कंटेनमेंट जोन भी अभी संशोधित करके बनाए गए हैं। इन सभी कंटेनमेंट जोन्स पर भी होमगार्ड्स का पहरा बिठाया जा रहा है, और इसके साथ ही आरएच कुल्लू में तेगूबेड़ हॉस्पिटल में और जो ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है और ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था है, इन सभी में पुलिस और होमगार्ड्स की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। इसके अलावा जो आइसोलेशन सेंटर्स जो रेडी रखे गए हैं, जिसमें वैष्णो माता देवी है और रायसन आई क्लिनिक है, इन पर भी होमगार्ड्स का पहरा बिठाया गया है। शादियों की चेकिंग के लिए इनकी परमिशन की जो लिस्ट है वो हमारे पास एसडीएम ऑफिस के माध्यम से पहुंची है, और इन सभी ऑर्गेनाइजर्स को पुलिस की टीम्स फोन करके कोरोना की कर्फ्यू की गाइडलाइंस को सुनिश्चित कराने के लिए उनको फोन कर रही हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि उसमें गैदरिंग जो है 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई धाम का आयोजन नहीं होना चाहिए, और कोविड प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत ही किसी भी प्रकार के फंक्शन को वो पूरा कर सकते हैं। एडवांस कॉलिंग के माध्यम से इसमें ज्यादा अच्छी कंप्लायंस अभी देखने को मिल रही है। जिन जिन जगहों पर वायलेशंस हैं उन जगहों पर हमने अभी मई महीने में ही 350 से ज्यादा फेस कवर के चालान भी किए हैं और लोगों को फेस कवर लगाने के लिए प्रेरित भी किया है। इसमें हमने 1.5 लाख से ज्यादा फाइन भी एकत्रित किया है। इसी के साथ जो बहुत सारी टीमें फ्लाइंग स्क्वाड्स के साथ बनी हुई थी, जो मैरिजेस, फंक्शंस या कोई स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उन सभी फंक्शंस को और उन सभी एक्टिविटीज को मॉनिटर किया गया। इसमें हमने 6 वायलेशंस अभी तक पिछले मई के महीने में पाए हैं। इनमें 30,000 फाइन किया गया है इनके ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर। इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सेवाएं कुल्लू पुलिस के जो रुस्तम वॉलंटियर्स दे रहे हैं वो कुल्लू, भुंतर, मनाली, कसोल, मणिकरण आदि सभी क्षेत्रों में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और जो वायलेशंस हो रहे हैं उनकी पुलिस को रिपोर्ट भी कर रहे हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हाथों पर होते हैं ऐसे कई बैक्टीरिया
हल्के गर्म पानी की धार में दोनों हथेलियों को रगड़े। थोड़ा सा लिक्विड साबुन लेकर हथेलियों को मले। हथेलियों के पीछे और उंगलियों को अच्छे से मले। दोनों हथेलियों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके अच्छे से रगड़ें। अंगूठे के आसपास और उंगलियों को अच्छे से मले। नाखूनों को अच्छे से मलकर धोएं। अपने हाथों को अब पानी की धार से अच्छी तरह धोएं। हाथों को अच्छी तरह से पोंछ कर सुखा लें और नल को भी साफ कर दें। कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम। लाइफ टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी।